इस वीडियो में हम डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की जो कंप्लीट वीडियो है वो पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स का पार्ट है। एनटीए नेट जेआरएफ के एग्जाम्स और यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है, जहाँ पॉलिटिकल साइंस के इन 6 यूनिट्स को मेरे द्वारा डिटेल में कवर किया जा रहा है। अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डेमोक्रेसी की कई थियरीज में से एक इम्पॉर्टेंट थियरी है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की थियरी। इस वीडियो में हम डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की थियरी को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के इस ब्रॉड टॉपिक को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के विद इन डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के अंतर्गत हमें कौन कौन से सब टॉपिक्स को स्टडी करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के मीनिंग को क्लियरली समझना होगा। आपको ये समझना होगा कि आखिर डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी होता क्या है, व्हाट इज़ डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। इसके बाद हम डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के तीन इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को देखेंगे। पहला, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी एंड लेजिटिमेसी, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी और लेजिटिमेसी के बीच संबंध। दूसरा, नेचर ऑफ डेलिब्रेशन इन डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में जो डेलिब्रेशन होता है उस डेलिब्रेशन के फीचर्स क्या होते हैं। और तीसरा, साइट्स ऑफ डेलिब्रेशन या प्रैक्टिस ऑफ डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। फिर हम हैबरमास के द्वारा दिए गए डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के मॉडल को डिटेल में देखेंगे। इसके बाद हम डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के क्रिटिक को देखेंगे, जहाँ हमें डिफरेंट स्कॉलर्स और डेमोक्रेसी के दूसरे थियरीज के द्वारा डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को जिस तरह से क्रिटिसाइज किया गया है उन सभी क्रिटिसिज्म्स को समझना होगा। और फाइनली हम इस पूरे लेक्चर को कंक्लूड करेंगे इस एनालिसिस के साथ कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का मॉडल प्रैक्टिकली कितना एप्लीकेबल है और कितना एप्लीकेबल नहीं है। आइए डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के अपने इस डिस्कशन की हम शुरुआत करते हैं। सो व्हाट इज डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी क्या है? सबसे पहले जो बात आपको समझना है वो ये कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की एक नॉर्मेटिव थियरी है। डेमोक्रेसी की दो थियरीज होती हैं, एक एम्पिरिकल और दूसरी नॉर्मेटिव। एम्पिरिकल थियरी में हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी रियलिटी में हकीकत में कैसे फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है, डेमोक्रेसी में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। लेकिन नॉर्मेटिव थियरी में हमारा फोकस इस बात पर होता है कि डेमोक्रेसी को कैसे फंक्शन करना चाहिए, कैसे वर्क करना चाहिए, डेमोक्रेसी में डिसीजंस को कैसे लिया जाना चाहिए। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो डेलिब्रेशन पर बेस्ड होना चाहिए, डेलिब्रेशन के थ्रू डेमोक्रेसी में डिसीजंस लिया जाना चाहिए, ना कि सिंपल वोटिंग के थ्रू, मेजॉरिटी के थ्रू। डेलिब्रेशन का मतलब होता है किसी भी इशू के ऊपर या किसी भी टॉपिक के ऊपर एक एग्जॉस्टिव, एक डिटेल्ड, एक गहन डिबेट और डिस्कशन करना। इस तरह के डिटेल्ड एग्जॉस्टिव डिबेट और डिस्कशन के बाद जब हम मिलकर आम सहमति से, कंसेंसस से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ मिलकर कोई कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं तो इस तरह के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ही हम डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। इस तरह के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ही डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को एग्रीगेटिव डेमोक्रेसी के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। एग्रीगेटिव डेमोक्रेसी हम हर उस तरह के डेमोक्रेसी को कहते हैं जहां पर जो डिसीजंस हैं वो वोटिंग के थ्रू, सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू, वोटिंग और सिंपल मेजॉरिटी के बेसिस पर जहां पर डिसीजंस लिया जाता है, इस तरह के डेमोक्रेसी को एग्रीगेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। आज की जितनी भी लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है सभी एग्रीगेटिव डेमोक्रेसी की कैटेगरी में आएंगी। एग्रीगेशन का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना। ओके, मॉडर्न डेमोक्रेसी में लोगों के प्रेफरेंसेस को, लोगों के चॉइसेस को वोटिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है। इसे ही एग्रीगेशन ऑफ प्रेफरेंसेस कहते हैं। तो एग्रीगेटिव डेमोक्रेसीज में जो डिसीजंस हैं वो वोटिंग के थ्रू लिया जाता है, और इस तरह वोटिंग के थ्रू जब कोई डिसीजन लिया जाता है तब हम सिंपली लोगों के प्रेफरेंसेस को एग्रीगेट करते हैं। लोगों के प्रेफरेंसेस के पीछे जो रीजन छिपा हुआ होता है उसे जानने की कोशिश नहीं करते या उसे बदलने की हम कोई कोशिश नहीं करते। जो मेजॉरिटी लोगों की प्रेफरेंस होती है उसे ही फाइनल डिसीजन के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाता है और फिर सभी के ऊपर इसे अप्लाई कर दिया जाता है, उनके ऊपर भी जिनके ये प्रेफरेंसेस नहीं थे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि हमें एक डिसीजन लेना है, एक पैंडेमिक के दौरान
कोई पर्टिकुलर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह डिसीजन हमें लेना है। अगर हम यहाँ पर एग्रीगेटिव डेमोक्रेसी के मॉडल को फॉलो करें, तब हम हर किसी को सिर्फ यस या नो कहने का मौका देंगे। अगर मेजॉरिटी यस में है तब हम एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, और जो नो कह रहे हैं उनके व्यूज़ फिर हमारे लिए मैटर नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के मॉडल को फॉलो करें, तब हम हर उस व्यक्ति को, हर उस स्टूडेंट को जो कि इस पर्टिकुलर डिसीजन से अफेक्टेड होगा, हर उस स्टूडेंट को अपने व्यूज़, अपने आर्ग्यूमेंट्स रखने का मौका देंगे। यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा गोल प्रेफरेंसेस को, डिफरेंट स्टूडेंट्स के प्रेफरेंसेस को एग्रीगेट करना नहीं होगा, बल्कि रीजंट आर्ग्यूमेंट्स, डिबेट और डिस्कशन के माध्यम से एक दूसरे के प्रेफरेंसेस को समझना, इन्फ्लुएंस करना और ट्रांसफॉर्म करना होगा। जो यस कह रहे हैं वो नो कहने वाले स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे, और जो नो कह रहे हैं वो यस कहने वाले स्टूडेंट्स के आर्ग्यूमेंट्स को समझेंगे। इस तरह के डिलिब्रेशन और डिस्कशन के बाद जो डिसीजन लिया जाएगा, वो डिसीजन कंसेंसस और म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस पर लिया गया एक डिसीजन होगा, जो कि हर किसी के लिए एक्सेप्टेबल होगा। इसे ही डिलिब्रेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। डिलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में जो डिसीजंस हैं वो डिबेट्स और डिस्कशन, रीजंट डिबेट्स और डिस्कशन के बाद लिए जाते हैं। हर व्यक्ति के पास जो कि एक पर्टिकुलर डिसीजन से अफेक्टेड होगा, हर उस व्यक्ति के पास उस डिसीजन को लेने से पहले होने वाले डेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। हर किसी के पास, हर व्यक्ति के पास अपने व्यूज़ और अपने आर्ग्यूमेंट्स को रखने की इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। हर किसी को हर दूसरे व्यक्ति के व्यूज़ को सुनना होगा और समझना होगा। तो हम कह सकते हैं कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की वो थियरी है जो कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की वो थियरी है जो कि इंडिविजुअल को एम्पावर करने के साथ साथ आर्ग्यूमेंट्स को भी एम्पावर करती है। मतलब डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में जो डिसीजंस हैं वो सिर्फ नंबर्स, दैट मींस मेजॉरिटी के बेसिस पर नहीं लिए जाते। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में वही डिसीजंस लिए जाते हैं जिन डिसीजंस के सपोर्ट में बेस्ट रीजंड आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हों और हर कोई उन आर्ग्यूमेंट्स से एग्री करता हो। साथ ही साथ डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में हर किसी के पास अपने व्यूज़, अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने इंटरेस्ट को सभी के सामने रखने का मौका होता है। तो ये है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी।